गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो हमारी जो लास्ट क्लास थी वहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को स्टार्ट कर दिया था और कुछ रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। अभी उन्हीं रिएक्शंस को या आगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो जरा देखते हैं लास्ट क्लास के अंदर बेटा, जब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पर हम लोगों ने दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी थी। एक हम लोगों ने बेटा प्रिपरेशन की थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड से हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी, जहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने। और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी थी जरा उसको भी देख लेते हैं बेटा, कि अगर मैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के अंदर एक्वस KOH डालता था तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता था दैट इज ROH प्लस में KX, दिस इज द आवर रिएक्शन। दूसरी हम लोगों ने रिएक्शन और पढ़ी थी फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन की जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी बेटा वो सिंपल एडिशन रिएक्शंस थी। कौन सी रिएक्शंस थी? एडिशन रिएक्शंस थी। अब एल्कीन की जो एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी वो मेनली हमने दो प्रकार से पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था कि H2O मॉलिक्यूल ऐड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनीव ऑफ एडिशन, मार्कोनीव ऑफ एडिशन, एडिशन जहां पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अटैक किया था। वहीं पर एक दूसरी रिएक्शन बेटा हम लोगों ने और डिस्कस की थी, जहां पर एक B2H6 मॉलिक्यूल डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन फॉलोड बाय H2O2 रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी, और जहां पर आप लोगों का वही एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा था, लेकिन ये बेटा एंटी मार्किन ऑफ रूल को फॉलो कर रहा था, एडिशन एंटी मार्किन ऑफ रूल को फॉलो कर रहा था। ओके, क्लियर है। और इस रिएक्शन को बेटा हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा था। ये रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज बेटा हम लोग तीसरी रिएक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इनकी बात हम लोग करेंगे आज की क्लास में, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिन कंपाउंड्स के अंदर सी डबल बॉन्ड हो, ये वाली लिंकेज होती है, वो सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर आप लोगों को? सो बात करता हूं बेटा, अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है तो दोनों तरफ एच होगा, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ ये है, अगर दोनों तरफ मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, अगर मेरे पास एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ बेटा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेरे पास R ग्रुप और एक तरफ OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर, इसको भी OH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दोनों तरफ H जुड़े हुए तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते थे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं बेटा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। इनको बेटा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और लास्ट बेटा इनको हम लोग एस्टर्स बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन सभी का रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन करने के बाद हम लोग किसकी प्रिपरेशन करेंगे बेटा? अल्कोहल की। बेटा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी आप लोग किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हो तो वहां पर आपकी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो अब रिडक्शन करने के लिए आपको किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा आप लोगों को किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको H2 निकल प्लैटिनम प्लैटिनम मिल जाता है तो बेटा इट मींस वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर है, जो रिडक्शन करवाएगा। कहीं पर आप लोगों को LiAlH4 मिल जाता है तो वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि LiAlH4 बेटा बहुत कॉस्टली होता है तो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NaBH4, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरा है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये भी एक तरह का बेटा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। अब रिडक्शन का मीन्स दो बात होती है, क्या तो सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा रिडक्शन की फॉर्म में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या मैं आप लोगों से कहता हूं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। इन दो फॉर्म्स के अंदर हमारा जनरली क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? यहां पर हमारा रिडक्शन होगा, क्लियर है। तो ये काम क्या करते हैं? क्या तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करवाएंगे या ये हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे, तभी तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिडक्शन को करवाते हैं, क्लियर है। तो रिएक्शंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की जो रिएक्शंस है जरा देख लीजिए उन रिएक्शंस को, कौन कौन सी रिएक्शंस है बेटा। सबसे पहले जो मैं रिएक्शन आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स, क्लियर आप लोगों को।
अगर मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अगर मैं इसका क्या करता हूँ बेटा, रिडक्शन करवाता हूँ, तो रिडक्शन करवाने के लिए आप लोगों को पता है इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, एच टू निकल प्लेटिनम प्लेटिनम डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर बेटा एल आई ए एल एच फोर डाल सकता हूँ, मैं इसका एन ए बी एच फोर डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए सोडियम इथेनॉल का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं तो मेरा यहां पर बेटा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है आप लोगों को, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने कार्बन इस एल्डिहाइड के पास है उतने ही कार्बन का यहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आप इस मॉलिक्यूल को देखिए और इस मॉलिक्यूल को देखिए तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर यहां पर रिडक्शन हुआ होगा। क्लियर है, अगर मैं यहां पर इस प्रकार का कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH, दैट इज द मिथेनॉल, इट इज आल्सो ए प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा, कुछ इस प्रकार से एल्डिहाइड ले लेता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बोलो, CH3CH2CH2OH, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, आप लोग तीन कार्बन थे, तीन कार्बन का यहां पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। समझ में आ गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब भी आप लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। क्लियर, आप लोगों को वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर आप कह सकते हो कि वहां पर क्या बनेगा बेटा, आपका अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है आप लोगों को, तो क्वेश्चन कुछ कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि मुझे है ना इस प्रकार का कोई एल्डिहाइड बनाना, सॉरी अल्कोहल बनाना है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या इसके लिए कौन सा एल्डिहाइड दूं मैं, इसके लिए मैं कौन सा एल्डिहाइड दूं कि उसका रिडक्शन करने पर ये प्रोडक्ट बन जाए। तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, CH3 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 C डबल बॉन्ड O और H, आप इस तरह का कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, वो इजीली किसकी फॉर्मेशन कर देगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। नाउ वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेकंड एग्जांपल एंड दैट इज फ्रॉम कीटोन। अभी हम लोग कीटोन के साथ बात करेंगे, तो अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक कीटोन है, अगर आप लोग उसका क्या करते हो H2, या मैं सीधी बात करता हूँ रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा वहां पर आप लोगों का जो अल्कोहल बनेगा वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कीटोन की हेल्प लेनी पड़ेगी, कीटोन का आप लोगों को रिडक्शन करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बन जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को, एक रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, दिस इज आवर रिएक्शन। अगर मैं इसका बेटा यहां पर रिडक्शन करवाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बताओ, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ओके बेटा, क्लियर आप लोगों को, ये हमारे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है, सो नाउ मुझे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, प्रोपाइल अल्कोहल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यही तो होगा बोलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला यही तो है, तो इसको बनाना है तो क्या लेंगे इसके लिए रिएजेंट, इसके लिए हम लोगों को ये रिएजेंट लेना पड़ेगा, दैट इज एसीटोन या प्रोपेनोन। क्लियर आप लोगों को, तो इस प्रकार से आप लोग कीटोन्स का भी क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, और तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेगा। क्लियर है, तो बातें क्लियर हुई है कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हो आप लोग तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, और अगर आप लोग कहीं पर कीटोन का रिडक्शन कर रहे हो तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। बात करते हैं बेटा तीसरी तरह की, आपके पास अगर कहीं पर भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप लोग उसका रिडक्शन करना चाहते हो, तो जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ये होता है रिडक्शन। नाउ हाउ विल यू कंफर्म कि इट इज रिडक्शन और नॉट, तो देखो बेटा यहां पर दो ऑक्सीजन थे, यहां पर एक ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या हुआ है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्लियर है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, आपका रिडक्शन कहलाता है। वहीं पर दूसरी बात करूं, दोनों को देखिए तो बेटा आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, और जब दोनों चीजें हुई हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लियर है आप लोगों को, तो ये रिएक्शन आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर मुझे यहां पर प्रोपेनॉल बनाना है तो इसके लिए मैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड दूं, तो बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड दूंगा बेटा इसके लिए, इसके लिए आप लोगों को प्रोपेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। क्लियर,
है आप लोगों को प्रोपेनोइक एसिड। अगर मुझे प्रोपेनोल बनाना है, दिस इज प्रोपेनोल और दिस इज अवर प्रोपेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप लोग वहां पर क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, बात करते हैं कुछ आगे की तरफ से चलते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास एक रिएक्शन और है फ्रॉम एस्टर। अब लोग हम लोग एस्टर से भी इसकी फॉर्मेशन करेंगे, और एस्टर मेरे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास मिक्सर ऑफ एल्कोहल बनता है, मिक्सर ऑफ एल्कोहल्स बनते हैं। क्लियर आप लोगों को, कैसे यहाँ पर जब भी एस्टर होगा तो ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो इस साइड जितने कार्बन है और इस साइड जितने कार्बन है उतने का ही एल्कोहल बनेगा। तो बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है, इनका एल्कोहल बन जाएगा, इधर कितना कार्बन है, इसका एल्कोहल बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 रिएक्शन बताइए तो क्या करोगे, बॉन्ड क्लीव होगा, कितने कार्बन है यहाँ पर बेटा देखिए, एक दो तीन चार और OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस CH3OH। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हुई जिसके अंदर हम लोगों ने रिडक्शन किया। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं वो सारी हमने कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन की बात की, और उनका हम रिडक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को, यू बी द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जनरली RMGX होगा, अगर मैं उसकी रिएक्शन बेटा किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करता हूँ, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करता हूँ, तो वहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल ही बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। क्लियर आप लोगों को, देखते हैं कैसे बेटा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर HCH फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ और इसकी रिएक्शन अगर मैं RMGX के साथ कराता हूँ, तो बेटा जरा देखिए ध्यान से समझिएगा कि R आपको पता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स दी आर। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस MG के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक्स बोलो नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दिस, पॉजिटिव विल अटैक ऑन नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी बेटा, HCH R और क्या बन जाएगा, OMGX। क्लियर है, और इसका अगर मैं क्या कराता हूं बेटा, हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, तो बेटा क्या होगा जरा देखिए, अब की बारी इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर माइग्रेट करेंगे, इधर माइग्रेट करेंगे, तो आपको पता है क्या बनेगा, HCH कॉपर नेगेटिव चार्ज प्लस मैग्नीशियम पॉजिटिव और एक्स। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसके ऊपर एच पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बेटा, OH नेगेटिव। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, HCH और बोलो यहाँ पर R है, OH प्लस MgX और OH। सो अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, तो आप लोगों का यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, कौन सा अल्कोहल बन रहा है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। क्लियर आप लोगों को, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, जरा देखिए दोबारा से दूसरी रिएक्शन को। तो यहाँ पर हम लोगों का जो अल्कोहल बना है वो कौन सा अल्कोहल बना है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, और प्रोडक्ट क्या बना है, RCH2OH। क्लियर है, सॉरी ये तो एच लेंगे ना, एच, तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बना है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा, आप लोगों के साथ एक कोई भी एल्डिहाइड लेता हूं, सिंपल एल्डिहाइड मैं मान लेता हूं यहां पर, और उसकी रिएक्शन अगेन मैं RMGX के साथ कराता हूं, R की इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट, क्या होगा बेटा, RCH पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस R पॉजिटिव और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव अटैक ऑन दिस, पॉजिटिव अटैक ऑन दिस। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन क्या बन जाएगी, RCH R OMGX OMGX, इलेक्ट्रॉन अगेन माइग्रेट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा बताओ, RCH R OH प्लस MgxOH। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर है। तो जब आप लोग यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेते हो या कोई सिंपल एल्डिहाइड लेते हो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, क्लियर है आप लोगों को। तो जरा देख लीजिए इस बात को, रिएक्शन में लिख देता हूं, उसको कंप्लीट कर देता हूं, रिएक्शन विद आरएमजीएक्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर यहां पर क्या लिया था मैंने बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, यहां पर सिंपल एल्डिहाइड लिया था, और अगर बेटा मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, कीटोन ले लेता हूं और उसकी रिएक्शन आरएमजीएक्स के साथ करवाता हूं, तो बेटा क्या बनेगा, वही आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हो जाएंगे बेटा बताओ, आर की तरफ हो जाएंगे। तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस आर नेगेटिव, एमजी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक्स नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पर क्या बन जाएगा बेटा, आर सी आर, बोलो R O M G X, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो H पॉजिटिव और कौन जुड़ेगा, O H नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किधर जाएगा बेटा बताइए जरा, प्लस एम जी एक्स और ओ एच। सो नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू आर यूजिंग दैट द टर्शरी अल्कोहल इज फॉर्म, कौन सा बेटा टर्शरी अल्कोहल, क्लियर आप लोगों को। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उनकी मैं आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। क्या बातें हैं वो देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, कीटोन लेता हूँ, और कीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो मेरे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आप फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हो तो कोई भी एल्डिहाइड लीजिए सिंपल, और अगर टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप लोगों को वहां पर कीटोन लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो कुछ रिएक्शंस है जिनको आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, चलो बात कर लेते हैं बेटा, इन रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए, मैं नहीं करवाऊंगा आप लोग, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आई है तो फाइंड ए बी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है बेटा, और यहां पर है सी एच थ्री एम जी एक्स, यहां पर है सी एच थ्री सी एच टू एम जी एक्स, और यहां पर अगेन है सी एच थ्री एम जी एक्स, इन प्रेजेंस ऑफ या फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। आप लोगों को यहां पर मुझे बना के दिखाना है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल बना के दिखाना है, यहां पर आप लोगों को मुझे बना के दिखाना है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री ओ एच, और आप लोगों को मेरे को यहां पर बना के दिखाना है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ओ एच, ये मेरे को तीनों प्रिपरेशन करके दिखानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो व्हाट शुड बी ए बी एंड सी, आप लोगों को इन तीनों की रिएक्शंस करनी है, क्लियर है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए आराम से, बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट तरह की रिएक्शन बचती है हमारी, दैट इज फ्रॉम अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अमीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अमीन्स, फ्रॉम अमीन, ओके बेटा, मेरे पास कोई भी एक अमीन है, अगर मैं उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाता हूं तो बेटा वो एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है, क्लियर आप लोगों को। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूँ बेटा एच एन ओ टू से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ बेटा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एन टू प्लस एच टू ओ, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन को तैयार करने का जो तरीका है उन्होंने अपना बना रखा है, कैसे बना रखा है, आर एन एच टू लिया, एच एन ओ टू को उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, ओ एच एन और ओ, क्लियर आप लोगों को। तो ये क्या बन गया, ROH, कौन सी गैस निकल गई, नाइट्रोजन, कौन सी चीज निकली बाहर, H2O, क्लियर है। तो रिएक्शन क्या थी, CH3 CH2 NH2, क्या डालते इसमें बेटा,
HNO2 डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? सो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई बच्चे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली आंसर दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।